हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मतलब लेक्चर टू में फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है ये हमें ये बताता है, ठीक है, मतलब ये प्रूफ करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में उनकी एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट एनर्जीज होती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपनी डेफिनेट एनर्जी पर ही रह सकते हैं, ठीक है, या तो इसमें रह सकते हैं, ठीक है, या तो इसमें रह सकते हैं, या तो इसमें रह सकते हैं, या तो इसमें रह सकते हैं, ठीक है, मगर बीच में नहीं रह सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। जैसा हमको बोर ने बताया था, ठीक है, दिस वाज वेरी सिमिलर टू बोर, जैसे बोर ने थ्योरेटिकली हमें बताया था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट ऑर्बिट में ही रह सकते हैं और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। सो ठीक है, तो बोर ने तो वो हमें बताया था और यहाँ पर हम इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रैंक हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है वो तो ये देख रहे हो आप, ठीक है, एंड दैट इज द ग्राफ विच ही ऑब्टेन्ड। तो फ्रैंक को पता कैसे चला? स्टूडेंट्स, एक्चुअली में फ्रैंक को पता चला इस ग्राफ से, उसने ग्राफ की स्टडी की, ठीक है, तो उसको जो ग्राफ मिला उसने उसकी स्टडी की। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, सो आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। जस्ट वेट फॉर ए वाइल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लेट मी जूम दैट वेट। एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, ओके, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1914 में, और इसने ये प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज होती हैं एटम में वो क्वांटाइज्ड होती हैं। कैसे प्रूफ किया था? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप ये देख सकते हैं, इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस ग्लास ट्यूब के अंदर इन्होंने Hg एटम्स को रखा था वेपर फॉर्म में, ठीक है, लाइक दिस वन। तो ये हो गया Hg एटम। तो मैं इसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन जाता है एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन, सॉरी, मरकरी एटम यहाँ पर वेपर फॉर्म में था इस ग्लास ट्यूब के अंदर। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, व्हाट दे डिड आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पर फिलामेंट रखा है, यहाँ पर कैथोड है, देयर इज़ ए कैथोड एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर एनोड है। इन्होंने कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, ठीक है। जब फिलामेंट को हम गर्म करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जब हम फिलामेंट को गर्म करते हैं तो कैथोड गर्म होता है, कैथोड नेगेटिव पॉइंट से अटैच है, तो उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ थर्मायनिक एमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं। मैं सिंपलिसिटी के लिए एक ड्रॉ कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स Hg एटम से टकराते हैं तो होता कुछ ऐसा है। तो हम Hg एटम्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें लिख देते हैं। तो मैं यहाँ रिलेटिव एनर्जी लेवल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव एनर्जी लेवल्स जो हैं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये हैं रिलेटिव एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट इज़ द ग्राउंड, दैट इज़ द फर्स्ट एंड दैट इज़ द सेकेंड, जीरो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, दैन 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो, आई हैव रिटन इट करेक्टली, 4.9, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ Hg एटम की तरफ आता है, ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ भी जा सकता है एग्जाइट होकर, यहाँ भी जा सकता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये
आ कैसे रहा, हम इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, एसिलरेट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, हम वी पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलरेट कर रहे हैं। तो ये कितनी एनर्जी गेन करता है, ई वी, जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना वोल्टेज गेन करेगा। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण ये करंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, और ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा एक सेकेंड में, जितने ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे एक सेकेंड में, उतना ज़्यादा करंट होगा। तो ग्राफ ऐसा मिलता है। सो वी गेट द ग्राफ लाइक दिस वन। तो स्टूडेंट्स इसमें, इस ग्राफ में, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अपन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है क्यू वी, मतलब वी। तो आप इंक्रीज करेंगे, कुछ समय के बाद जब इतना पोटेंशियल आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतना पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी इतनी हो जाती है, फॉर एग्जांपल 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और जब ये एच जी एटम के पास पहुँचता है, तो एच जी एटम को का इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं बता दिया हूँ ना 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एच जी एटम के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 4.9, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इतनी हो जाती है और एच जी एटम के इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इतनी है, जबकि दोनों मैच करने लगती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एच जी एटम से को अपनी एनर्जी दे देता है, ठीक है, और ये एटम खुद रेस्ट पर आ जाता है उस समय, इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। और जब ये रेस्ट पर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, बेसिक सी बात है कि कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक गया, एब्जॉर्ब हो गया तो नहीं पहुंचेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो करंट ड्रॉप हो जाएगा, तो करंट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण जो करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा ठीक यहाँ भी होता है, क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और मरकरी में अगर आप देख रहे हैं तो मरकरी में भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करता है, मरकरी को दे देता है, ठीक है, और ये खुद रेस्ट में जाता है, तो फिर से करंट ड्रॉप हो जाता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मरकरी एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मैच करने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो मरकरी है, ठीक है, जो मरकरी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि अगर क्वांटाइज्ड नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो अगर क्वांटाइज्ड नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, क्वांटाइज्ड है इसलिए एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मरकरी एटम एब्जॉर्ब करता है। मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि मरकरी एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट एनर्जी पर ही, एक डेफिनेट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक डेफिनेट अमाउंट को अचीव कर लेती है, तभी मरकरी एटम्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जो करंट होता है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इस ग्राफ से पता चलता है कि मरकरी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, ओके। हमारी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स है कि करंट जो है वो ड्रॉप होता है इन वोल्टेजेस पर, ठीक है, और क्यों ड्रॉप होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, व्हाई दैट इज़ ड्रॉपिंग आउट, ठीक है। और जो जब मरकरी, ठीक है, मरकरी में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है 0 से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जाता है, तो वापस भी आता है, तो इससे रेडिएशन भी निकलता है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है स्टूडेंट्स कि जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं बोर के फॉर्मूले से, एज़ पर द बोर फॉर्मूला,
और हमें जो एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ मिलती है दे आर सेम, ठीक है। तो इस तरह से बोर का फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब प्रूफ हो जाता है, ठीक है, बोर की थ्योरी भी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, सो यू हैव सीन, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, सबसे पहले बोर की थ्योरी से, एज पर द बोर थ्योरी, हम यहाँ पर E2 - E1 इक्वल्स टू एच नहीं होता ना, इस थ्योरी से सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी से वेवलेंथ निकल आती है, ये वेवलेंथ जो आती है अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी वो उतनी ही आती है जितने की हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की है। तो इसका मतलब ये है कि बोर थ्योरी भी मतलब वेरीफाइड हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट से, और ये एक्सपेरिमेंट हमें बोर थ्योरी का वेरीफिकेशन भी दे देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फाइनली आपको इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि जो बेसिकली आपको ये पता चलता है कि जो हमारा सब एटॉमिक वर्ल्ड है वहाँ एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। सो इट वाज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट द क्वांटम मैकेनिक्स इन द बिगिनिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट, ओके, टेक केयर, बाय बाय।